नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूफ्लो ऑटोमेशन में। आज हम बात करेंगे डेबल ऑक्सीकेयर कॉन्फ़िगरेशन 1 टाइप बी के बारे में। इसके अंदर हम देखेंगे कि ये सिस्टम कैसे असेंबल किया जाता है और जब ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो उसको कैसे डीअसेंबल किया जाता है। डेबल ने ये ऑक्सीकेयर सिस्टम डेवलप किया था सोल्जर्स के लिए, जिसके अंदर से जो पहला वेरिएंट है वो हम आपको बताएंगे। इस वेरिएंट के अंदर मेडिकल स्टाफ मैन्युअली कंट्रोल करके ऑक्सीजन पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये सारा मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। मैं हूं निकुंज यूफ्लो ऑटोमेशन से, तो लीजिए शुरू करते हैं। डेबल ऑक्सीकेयर कॉन्फ़िगरेशन 1 टाइप बी। टाइप बी यहाँ पे क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे टाइप बी का सिलेंडर है। ये किट के अंदर आपको 10 लीटर का सिलेंडर दिया जाएगा, वो भी व्हील टाइप है। व्हील टाइप आपको आसान रहेगा ओपन और क्लोज करने में। इसके ऊपर भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है, मार्किंग लेबलिंग है कि आप किस साइड ओपन कर सके नोब को और क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे नोज जो है, यहाँ पे उसको बुल कहा जाता है। इसके अंदर G5/8 का कनेक्शन रहता है, जिसके अंदर हम यहाँ पे नोजल हमारा जो रेगुलेटर का है वो फिक्स करेंगे। तो इस किट के साथ आपको एक बॉक्स दिया जाता है। ऑक्सीजन का जो पूरा किट है उसके अंदर एक रेगुलेटर का बॉक्स निकलेगा। ये जो मेरे हाथ में है वो एक रेगुलेटर का बॉक्स है। इसके अंदर हम देखेंगे क्या निकल के आता है। अनबॉक्सिंग करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका मैन्यूअल आएगा। ये मैन्यूअल के अंदर आप देख सकते हैं कैसे सिस्टमेटिकली आप स्टेप बाय स्टेप उसको असेंबली और डिसेंबली कर सकते हैं। उसके अंदर आप देखेंगे कि एक थर्मोकोल के अंदर रेगुलेटर को पैक किया गया है, साथ में इसका वारंटी कार्ड भी दिया रखा है। ये जो बॉक्स है इसके अंदर आपको रेगुलेटर मिलेगा। इसके अलावा ह्यूमिडिफायर बोतल भी आपको एक मिलेगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन मास्क और एक नसल कैन्यूला। ये सारा हमारा इंक्लूड होगा पूरा एक किट में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले रेगुलेटर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो रेगुलेटर में आपको सुनिश्चित करना है कि आगे यहाँ पे नोजल में ओरिंग होना चाहिए। ओरिंग अगर नहीं है तो लीकेज का प्रॉब्लम रह सकता है। तो सबसे पहले ये नोजल आपको यहाँ पे वाल्व के अंदर इंसर्ट करना है। इसको यहाँ पे प्लास्टिक जो नोब दे रखा है उसको आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, जैसे ही रोटेट आप करते जाएंगे ये वाल यहाँ पे फिक्स होता जाएगा। इस वाल की ये खासियत है कि यहाँ पे स्पैनर का रिक्वायरमेंट नहीं रहता। विदाउट स्पैनर आप इसको फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर में भी नोब दे रखा है, नोब को आप ओपन क्लोज कर सकते हैं। और रेगुलेटर में ये जो प्लास्टिक का व्हील दे रखा है यहाँ से आप इसको टाइट कर सकते हैं। इतना टाइट करिएगा कि यहाँ से लीकेज ऑक्सीजन का न हो। इसके बाद हम देखेंगे ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन बोतल। ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन बोतल आपको हम किट के अंदर देंगे। उसके अंदर आपको एक तो एक ट्यूब रहना चाहिए और कैप के अंदर ये ओरिंग, ये जो सील है अंदर रहना चाहिए। अगर ये सील नहीं रहता तो लीकेज का चांसेस रहेगा, इसलिए ये सुनिश्चित कीजिए कि कैप के अंदर सील रहना चाहिए। तो सील और ये ट्यूब यहाँ पे कैप में लगाने के बाद यहाँ पे इसको आपको फिक्स करना है। और ह्यूमिडिफायर बोतल में जब आप फिक्स करें तब उसके अंदर पानी आपको मैक्सिमम लेवल पे भरना है। जो यहाँ पे मैक्सिमम लेवल है वहाँ तक आपको पानी इसके अंदर भरना है। पानी भरने के बाद आपको ऊपर कैप को टाइट कर देना है। कैप टाइट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, उसके अंदर आपको ये ह्यूमिडिफायर बोतल को फिक्स करना है। आपको इतना फिक्स करना है कि यहाँ से ऑक्सीजन लीकेज ना हो।
ये फिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो बाहर ट्यूब आ रहा है, क्रिसमस टाइप कनेक्शन बोलते हैं, इसके अंदर हम हाई कॉन्सेंट्रेशन मास्क का जो ट्यूब है वो इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। और हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर को। ऑक्सीजन सिलेंडर को हम स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रेशर गेज में कितना प्रेशर आ रहा है वो इंडिकेट करेगा। उसके बाद आपको रेगुलेटर में उसका फ्लो लगाना है 0.5 में। आप देख सकते हैं कि बबल इसके अंदर आ रहे, इसका मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ पे अंदर आना शुरू हो गया है। इसके अंदर हमने 15 पॉइंट तक दे रखा है, पर लेकिन जो डॉक्टर की सलाह से जितने पॉइंट रखने को बोला गया है उस हिसाब से यहाँ पे आप सेट करके ऑक्सीजन पेशेंट को दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ह्यूमिडिफायर बोतल लगा दिया है और फिर पेशेंट को ऐसे आप पेशेंट को मास्क लगा सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि ये जो बैग है वो ऑक्सीजन से भर जाएगा, इसका मतलब कि ऑक्सीजन का फ्लो मास्क तक आ रहा है। अभी आगे देखेंगे कि ऑक्सीजन जब सिलेंडर में ख़त्म हो जाए तो इसको डिसअसेंबल हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑक्सीजन जो आ रहा है बबल के फॉर्म में ह्यूमिडिफायर बॉटल में वो बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो गया है। दूसरा कि प्रेशर गेज में जीरो के आसपास निडल आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से रेगुलेटर को खोलेंगे। रेगुलेटर को ये प्लास्टिक का नोब से हम खोल सकते हैं, इसको हम यहाँ पे आसानी से हाथ से खोल सकते हैं। इसको खोलने के बाद हम ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिलिंग के लिए दे सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत ये किट की ये है कि ये जो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जा रहा है वो फिलिंग परमिशन के साथ दिया जा रहा है पैसों के तरफ से। मतलब कि अगर ये आप कोई भी नज़दीक की रिफिलिंग ऑक्सीजन स्टेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे आप ये फिलिंग करवा सकते हैं। ऑलरेडी फिलिंग का हमने परमिशन और लाइसेंस आपको दे रखा है ताकि आप वहां पे जाकर आसानी से फिलिंग करवा सकते हैं। ह्यूमिडिफायर बोतल में जब वाटर लेवल मिनिमम से नीचे आ जाए तो उसको रिफिल कैसे करें, आइए मैं पहले आपको बता दूं। इसके अंदर सबसे पहले आपको जीरो पे रेगुलेटर करना है। जीरो पे करेंगे इसका मतलब कि बबल्स अंदर बनना बंद हो जाएंगे, इसका मतलब कि ऑक्सीजन सप्लाई ह्यूमिडिफायर बोतल में नहीं आ रहा है। अब आपको ऑक्सीजन का बोतल का जो वाल्व का नॉब है उसको बंद कर देना है, फिर इसको बोतल ह्यूमिडिफायर को खोलना है। यहाँ से आप बोतल को खोल लेंगे और पानी को आप रिफिल कर लीजिए, मैक्स मार के वहाँ तक आप रिफिल कर लीजिए, फिर इसको वापस से आप बोतल को लगा दीजिए। लगाने के बाद आप ऑक्सीजन सिलेंडर का नोब खोल लीजिए और रेगुलेटर का जो पॉइंट आप लगा के रखे थे उसको वापस चालू कर लीजिए। आपका ह्यूमिडिफायर का बोतल रिफिल हो गया और आपका ऑक्सीजन सिलेंडर भी पूरा चालू हो गया है।